जी बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों को ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, नॉट ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर को आगे बढ़ाना है, ठीक है जी। और हमारे को क्या देखना है, हमने लास्ट क्लास में किस तरीके के कौन कौन से एरर्स होते हैं वो सब कुछ सीख लिए थे, उनका इफेक्ट किस तरीके से होता है। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, तो क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है। दिस वन, ए बुक शॉपकीपर फाइंड द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस अमाउंटेड टू ₹1000 एंड पुट्स इट इन द सस्पेंस अकाउंट। यानी कि उसने क्या खोल रखा, अपना सस्पेंस अकाउंट खोल रखा है। पहले तो जरा मेरे को याद दिलाना कि सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं तब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल एंट्री कहां तक पहुंच चुकी होती है, बोलो। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस तक, यानी कि हम ट्रायल बैलेंस तक पहुंच चुके हैं, ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं, लेकिन फाइनल अकाउंट नहीं बनाया अभी, ठीक है जी। अब इस चीज की रेक्टिफिकेशन करनी है। एरर नंबर वन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एरर नंबर वन दिया हुआ है हमारे पास में, बोलता उसने परचेज किए गुड्स फ्रॉम रवि ₹15000 बट एंटर्ड इन सेल्स बुक। बताओ, परचेज किया था, क्रेडिट परचेज किया था, कहां पे आना चाहिए था सर, परचेज बुक में आना चाहिए था, और डाल दिया कहां पे, सेल्स बुक में। अब यहाँ पे तीन तरीके से एंट्री नहीं बनाएंगे हम, के रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, इस तरीके से नहीं लिखना। हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। हमने क्या करना है, सिंपल सी बात है सर, देखो उसने क्या कर दिया, रवि से चीजें परचेज की थी, यानी कि रवि को उसको क्रेडिटर बनाना चाहिए था, और उसने क्या कर दिया, उसको डेटर बना दिया। सिंपल सी बात है, यानी कि नॉर्थ पोल में जाना था, साउथ पोल में चले गए। तो सबसे पहले तो उसने जो परचेज की थी वो सही थी, जो परचेजेस थी वो क्या थी, सही थी। तो परचेजेस जब सही होती हैं तो कहां पे आ जाती हैं सर, डेबिट पे आती हैं। तो क्या लिखेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट, ये होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अब उसने इसको ना क्या लिख दिया, सेल्स बुक में लिख दिया, यानी कि उसने सेल्स रॉन्गली एंटर कर दिया। अब सेल्स रॉन्गली एंटर कर दिया तो उसको रेक्टिफाई करेंगे, तो सेल्स क्या हुई थी सर, क्रेडिट हुई थी, क्रेडिट को वापस कैंसिल करने के लिए डेबिट कर देंगे, तो सेल्स को भी डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। और टू, जिस पर्सन का नाम था क्या, रवि, तो रवि हमारा क्रेडिटर बना, क्रेडिटर बना, ठीक है जी, और हमने उसको बना दिया क्या था, डेटर, ठीक है। तो डेटर को रिवर्स करने के लिए, डेटर में वो क्या हो गया होगा, हमारा डेबिट हो गया होगा, तो डेबिट को भी रिवर्स करने के लिए हमने रवि को क्या कर दिया जी, क्रेडिट कर दिया। यानी कि ₹30,000 से 15,000 रुपए से तो सही था इसलिए, और ₹15,000 से इसलिए क्योंकि उस हमने उसकी गलती को पलटाना था, रिवर्स करना था। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, 15,000, 15,000, 30,000, ये हमारी एंट्री बन जाएगी। अच्छा, अब जो बच्चे इस चीज के अंदर कंफ्यूज हैं वो क्या कर सकते हैं, वो इस तरीके से देख लेते हैं, चलो समझ लो, क्योंकि क्लास अभी शुरू हुई है तो मैं चाहता हूं कि समझ में आनी चाहिए बात। तो हम क्या करते हैं, हमने ना वही पैटर्न, वही सिस्टम ले लिया, क्या रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री, ठीक है। हमने रॉन्ग एंट्री क्या बना दी, हमने रॉन्ग एंट्री बना दी सर, रवि डेबिट, रवि डेबिट टू सेल्स, जबकि होनी क्या चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, है ना। अब सिंपल सी बात है, रेक्टिफाइड एंट्री बनाएंगे हम, ये दोनों करेक्ट एंट्री में जो चीज जहां होती है उसको वहीं रखते हैं, तो हमने क्या किया सर, परचेज अकाउंट डेबिट, सही वाली एंट्री सही जगह पे लिख दो, और क्या लिख दो, टू रवि, ठीक है, सही वाली एंट्री रेक्टिफाइड एंट्री के अंदर लिख दो इस तरीके से। अब जो रॉन्ग एंट्री है उनकी जगहों को बदलो, रवि एक बार ही डेबिट था, अब इसको क्रेडिट कर दो, यहां पे एक और बार रवि लिख दो, टू रवि, और फिर सेल्स रॉन्ग एंट्री में क्रेडिट थी उसको डेबिट कर दो, तो सेल्स अकाउंट डेबिट, तो 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, दो बारी रवि रवि थोड़ी आएगा, 30,000 इसलिए लिख दिया मैंने। अब देखो ऊपर क्या एंट्री है, ऊपर भी यही एंट्री है रेक्टिफाइड एंट्री के अंदर, तो सिंपल है, ठीक है जी। अच्छा,
चलो इसको हटाते हैं यहां से, आगे चलते हैं। कॉपी मेंटेन कर रहे हो ना, कॉपी में लिख रहे हो ना सारे? ये लो, इसकी बैटरी डाउन हो गई, एक मिनट में इसकी बैटरी चार्जिंग पे लगाते हैं पहले, फिर आगे पढ़ेंगे। ओके चलो अब अगला पढ़ लेते हैं। अगले में क्या लिखा हुआ है बी पॉइंट के अंदर, रिसीव वन बिल फॉर रुपीज 25,000 फ्रॉम अरुण बट रिकॉर्डेड इन बिल्स पेबल। ठीक है जी, अब क्या हो गया इसका, बोलो बोलो जल्दी से बताओ। सेम वैसा ही हुआ है ना, सेम वैसा ही हुआ है। 25,000 रुपए का एक बीआर लिया था किससे, अरुण से, और उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया बिल्स पेबल के नाम से, यानी कि हमने उससे पैसे लेने थे और हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया कि हमने उसको पैसे देने हैं बिल्स पेबल। तो बिल्कुल ऊपर वाले जैसी ही एंट्री बन जाएगी। ठीक है, क्या एंट्री बन जाएगी, बीआर अकाउंट डेबिट, बीआर डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट। सर बिल्स पेबल क्यों डेबिट कर रहे हो, रेक्टिफाई कर रहे हैं ना, इसलिए पहले हमने इसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया होगा, और टू अरुण। ठीक है, कितने से, 25, 25 और 50, ये एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, एन आइटम ऑफ रुपीज 3500 रिलेटेड टू प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट था, अकाउंट वॉज ओमिटेड टू बी ब्रॉड फॉरवर्ड, ओमिटेड थे, बताओ अब क्या करते हैं हम इसका। देखो जी, सबसे पहले तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, प्रीपेड रेंट की एंट्री क्या बनाते हैं, सर प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है जी, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे सर प्रीपेड रेंट की एंट्री हमने आगे फॉरवर्ड नहीं करी। ठीक है जी, तो प्रीपेड रेंट को का ही इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि डेबिट साइड की एंट्री थी, एसेट होता है ना, प्रीपेड रेंट क्या होता है हमारा, एसेट होता है, तो ये डेबिट होना चाहिए था और ये ओमिट था, और अगर हम इसको रिकॉर्ड कर देते तो ये क्या हो जाता, डेबिट हो जाता। तो मेरी एंट्री क्या बनती, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। अब यहां पे हम सस्पेंस अकाउंट से, यहां पे क्या कर चुके हैं जी, सस्पेंस अकाउंट का सहारा ले चुके हैं, तो टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट, कितने रुपए से सर, 3500 रुपीज से। ओके जी, ये हमने एंट्री बना दी। अच्छा जी सर, एक बार दोबारा बताना ये वाला, ये वाली एंट्री दोबारा बताऊं? यस सर। देखो प्रीपेड रेंट क्या होता है, हमारा एसेट होता है। यस सर। अगर हमने इसको रिकॉर्ड किया होता तो हम क्या करते जी, प्रीपेड रेंट को डेबिट करते, हमने ये ओमिटेड था, ओमिटेड था ये, इसको हमने बनाया ही नहीं था, तो क्या हो गया, डेबिट हो गया, अब हम एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं। दूसरा इफेक्ट किसके ऊपर सर, सस्पेंस अकाउंट के ऊपर, क्योंकि दूसरी जगह किस चीज से फर्क पड़ रहा है, सस्पेंस अकाउंट से पड़ रहा है, ऊपर लिखा हुआ है कि सस्पेंस अकाउंट खुला हुआ है। ठीक जी सर, रेंट क्यों नहीं कर रहे बट हम, सस्पेंस क्यों, वैसे तो रेंट ही होता है ना। क्या क्या क्या, एक बारी फिर बोलना बेटा, क्या पूछ रही हो? ये एंट्री ओमिट हो गई थी, मतलब हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए, अब तो हम टू रेंट क्यों नहीं लिख रहे, ओमिटेड टू ब्रॉड फॉरवर्ड है। यस सर, आगे ब्रॉड फॉरवर्ड करने में ओमिटेड हो गई थी, गायब हो गई थी, तो टू रेंट अकाउंट क्यों नहीं किया, सस्पेंस अकाउंट। आप देखो यहाँ पे इफेक्ट किसके ऊपर बता रहा है, आप देखो यहाँ इफेक्ट किस चीज के ऊपर बता रहा है, एक चीज के ऊपर इफेक्ट नहीं पता लग रहा आपको, ये देखो आइटम, एन आइटम ऑफ रुपीज 3500 रिलेटेड टू प्रीपेड रेंट अकाउंट, आपको इसकी आधी एंट्री के ऊपर फर्क दिखाई नहीं दे रहा कि ये आधी एंट्री के ऊपर ही फर्क पड़ा था। आप जो करना चाह रहे हो वो जर्नल एंट्री बनाना चाह रहे हो बेटा, वो तब होती जब ये पूरा का पूरा गुल होता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओमिटेड टू ब्रॉड फॉरवर्ड, नॉट ओमिटेड टू रिकॉर्ड, ये नहीं बोला ओमिटेड टू रिकॉर्ड, नहीं बोला ओमिटेड टू ब्रॉड फॉरवर्ड बोला है। समझ में आई मेरी बात? ओके सर। यस सर, क्लियर सर। ठीक है जी, ओके चलो आगे चलते हैं। एक बारी चले सर। हाँ हाँ, मंडे को हमारा मॉक टेस्ट है अकाउंट्स का, जो पुराने मॉक टेस्ट के डाउट अगर कोई होगा तो आप कल ले लोगे, अगर टाइम हो पाया पॉसिबल तो। जी जनाब,
ठीक है सर। अच्छा अभी इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं ना, अभी मॉक टेस्ट की बात नहीं करते हैं, बाद में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा ये देखो डी पॉइंट, एन आइटम ऑफ रुपीज 2000 इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न, क्या था वो? परचेज रिटर्न था, उसको हमने कहां एंटर कर दिया रॉन्गली, परचेज बुक में। वो परचेज रिटर्न था, बिल्कुल उल्टा कर दिया हमने उसका। मुझे नहीं आती ये एंट्री, जल्दी से बताओ। परचेज डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्या 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 क्या? परचेज डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। मैं तुम्हारी ही एंट्री लिखता हूं पहले, एक सेकेंड ठहरो, इसको जरा रब कर दो, जो तुमने बोला वही लिखता हूं पहले, फिर देखते हैं कि ठीक है या नहीं है। क्या बोला सर, आपने? सर सर, सर मैं बोलूं, परचेजेस डेबिट, बोलो, परचेजेस डेबिट, हाँ टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। अच्छा और भी कुछ करना है इसमें? सर सस्पेंस टू परचेज, रिटर्न टू परचेज होनी चाहिए। अच्छा एक सेकेंड, सस्पेंस टू परचेज रिटर्न टू परचेजेस होनी चाहिए, ठीक है। और कोई बोलो, बस और कोई नहीं बोल रहा? ये जरा नीचे देखो क्या लिखा है इसकी एंट्री, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्या ये एंट्री सही है? यहां पे हमने रॉन्ग एंट्री क्या बना दी, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी और रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सर परचेज रिटर्न की है, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। और जिस पर्सन का नाम था उस क्रेडिटर को हमें वापस किया हमने पैसा, तो उसका नाम लिख देता हूं मैं, लेट से बोल देता हूं ए, इज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, लेकिन हमने एंट्री क्या कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, यानी कि हमने उसको अपना क्रेडिटर बना दिया। अब रेक्टिफाइड एंट्री के अंदर क्या होगा, ये दो दो हजार रुपए से एंट्री हो गई है ना, अब रेक्टिफाइड एंट्री के अंदर क्या होगा, करेक्ट एंट्री को करेक्ट वाली जगह पे रख दो, तो हमारी क्या एंट्री हो गई, ए डेबिट टू परचेज रिटर्न 2000 रुपए से, और अब जो रॉन्ग एंट्री में डेबिट में है वो कहां आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, तो टू परचेज अकाउंट ये 2000 रुपए, और फिर ये ए जो है ये रॉन्ग एंट्री में क्रेडिट में है तो ये भी डेबिट में आ जाएगा, ए डेबिट, तो ए डेबिट हुआ कितने के लिए, 4000 रुपए के लिए, और परचेज रिटर्न और परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गए 2000 रुपए के लिए, ठीक है बच्चों। डायरेक्ट परचेज रिटर्न अकाउंट क्यों नहीं कर दिया गया कि परचेजेस अकाउंट क्रेडिट और परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, तो हम जो पुरानी गलती थी उसको सही भी तो करेंगे, जो हमने गलत एंट्री गलत जगह लिख दी है वो उसको भी तो सही करना है, उसके भी तो डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट हटाना है, सिर्फ करेक्ट एंट्री थोड़ी ना लिखनी है, रेक्टिफाइड एंट्री लिखनी है। अच्छा जी ये नेक्स्ट देखो, 25,000 पेड टू हरीश अगेंस्ट अवर एक्सेप्टेंस वर डेबिटेड टू हरीश अकाउंट, 25,000 रुपए हमने पे किए थे अपनी एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसका मतलब समझ लो कि हमने किसी को बिल्स पे करना था, बिल्स पेबल, अगेंस्ट अवर एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है, अगेंस्ट अवर एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि हमने एंट्री क्या बनाई होगी, हमने एंट्री बनानी थी करेक्ट एंट्री हमने बनानी थी क्या, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट
टू कैश, हमने उसको पे ऑफ किया था ना, हमने उसको पे ऑफ किया था ना, तो हमने ये एंट्री बनाई थी, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया रॉन्गली, हमने क्या कर दिया डेबिट कर दिया हरीश के अकाउंट को, हरीश के अकाउंट को, तो हमने रॉन्ग एंट्री क्या बना दी है, हरीश अकाउंट डेबिट, टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है, ओके जी। देखो एक बारी फिर पढ़ लो, 25,000 रुपए पेड टू हरीश अगेंस्ट अवर एक्सेप्टेंस वर डेबिटेड टू हरीश अकाउंट, यानी कि एक तरफा बात कर रहे हैं हम, हमने सिर्फ हरीश के अकाउंट में डेबिट कर दिया है, ठीक है, जहां क्रेडिट होना चाहिए था वो तो क्रेडिट हो ही गया है, यानी कि हमने एंट्री क्या बना दी है, यहाँ पे ये बिल्स पेबल लिखा है ना, बिल्स पेबल नहीं, इसको कैश लिखना था और कैश जगह पे हमने कैश ही लिखा है, यानी कि कैश अपनी जगह जहां पे होना चाहिए था वहां पे है, कैश जहां पे अपनी जगह पे होना चाहिए था वो कैश है, इफेक्ट कहां पे हमने गलत दिखाया है, सिर्फ वहां पे बिल्स पेबल लिखने की जगह हरीश का नाम लिख दिया, ठीक है जी। तो अब सोचने वाली बात है, अब सोचने वाली बात है हमारे पास में कि करेक्ट एंट्री के अंदर, करेक्ट एंट्री के अंदर बिल्स पेबल कहां होना चाहिए, डेबिट में होना चाहिए, तो रेक्टिफाइड एंट्री के अंदर भी बिल्स पेबल कहां आ जाएगा जी, डेबिट में आ जाएगा, बिल्स पेबल डेबिट, और रॉन्ग एंट्री में, अब देखो करेक्ट एंट्री में कैश क्रेडिट है और रॉन्ग एंट्री में भी कैश क्रेडिट है, तो इसका मतलब इसको जहां होना चाहिए था वहीं है, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, हरीश गलत जगह पे लिखा हुआ है, तो हरीश अगर गलत जगह पे लिखा हुआ है डेबिट साइड पे, तो इसको उठा करके कहां ले जाएंगे हम, क्रेडिट साइड पे, टू हरीश अकाउंट, कितने रुपए के लिए सर, 25,000 रुपए के लिए, बात समझ में आई, यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कि हमने हरीश अकाउंट के अंदर गड़बड़ी की है, तो कैश तो जहां लिखा होना चाहिए था वहीं लिखा हुआ है, हरीश को डेबिट कर दिया हमने, रॉन्ग एंट्री ये हुई है, जबकि करेक्ट एंट्री ये बनती थी। हाँ जी चैट बॉक्स में क्या बोल रहे हो बोलो, रिपीट सर, अच्छा रिपीट कर देता हूं, देखो ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, ये पॉइंट भी हटा दिया मैंने, देखो ई पॉइंट के अंदर क्या बोला गया है, बोलता है 25,000 रुपए हमने पे किए टू हरीश अगेंस्ट अवर एक्सेप्टेंस, यानी कि मैंने हरीश को अपनी एक एक्सेप्टेंस दे रखी थी, बिल्स पेबल मैंने कोई ना कोई एक्सेप्ट कर रखा होगा, और आज मैंने उसको पे ऑफ कर दिया, तो करेक्ट एंट्री क्या बनती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा है ना मेरे साथ में, तसल्ली से एंट्री करो, तसल्ली से एंट्री करो, जब मैं बिल्स को पे कर देता हूं तो ये एंट्री बनती है ना, करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, लेकिन रॉन्गली हमने क्या कर दिया, रॉन्गली हमने इसको हरीश के अकाउंट में डेबिट कर दिया, यानी कि हमने डेबिट कर दिया किसका, हरीश का अकाउंट, तो हमारी करेक्ट एंट्री के अंदर कैश को क्रेडिट होना चाहिए था, हमने रॉन्ग एंट्री के अंदर भी कैश को क्रेडिट किया, एक तरफा गलती की है, सिर्फ एक तरफा गलती की है, दूसरी साइड हमारी करेक्ट थी, कैश क्रेडिट होना था, होना था, तो हमने उसको हरीश को बीच में डाल दिया, हरीश का नाम बीच में डाल दिया रॉन्ग एंट्री के अंदर। अब देखो रेक्टिफाइड एंट्री के अंदर क्या होता है, रेक्टिफाइड एंट्री के अंदर बोला जाता है कि जो चीज रॉन्ग एंट्री में और करेक्ट एंट्री में जहां होनी चाहिए थी वहां है। देखो करेक्ट एंट्री में कैश क्रेडिट है ना, और रॉन्ग एंट्री में भी कैश क्रेडिट है, इसका मतलब कैश का तो कोई कसूर नहीं है, कैश तो अपनी जगह क्रेडिट होना चाहिए था और क्रेडिट ही हुआ है, तो कैश को तो छोड़ देंगे हम, कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है जी, कैश के बारे में बात ही नहीं करनी। करेक्ट एंट्री में बिल्स पेबल डेबिट साइड पे है, उसको डेबिट साइड पे लिख दो, और रॉन्ग एंट्री के अंदर हरीश का अकाउंट जो है वो डेबिट साइड पे है, तो जो रॉन्ग जगह पे होता है उसको अपनी प्लेस बदलनी पड़ती है, तो हरीश अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, टू हरीश अकाउंट 25,000, रिवर्स होएगा ना, जो डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा, अगर ये कैश अपनी जगह पे सही नहीं होता तो ये भी रिवर्स होता फिर। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है जी, आगे देखते हैं, नोट करते जाओ साथ के साथ, चाहे सॉल्यूशन लिखे हुए बावजूद उसके भी। अच्छा जी आगे आ जाओ,
आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है, बिल रिसीव फ्रॉम जानकी फॉर रिपेयर डन टू रेडियो 2500, ठीक है जी, एंड रेडियो सप्लाइड फॉर 45,000, ठीक है, हमने उससे बिल रिसीव किया, किससे, जानकी से, किस काम के लिए, रेडियो रिपेयर करने के लिए और रेडियो सप्लाई करने के लिए, कितना, 45,000 रुपए का, वॉज एंटर्ड इन परचेज बुक, वॉज एंटर्ड इन परचेज बुक, बताओ, बोलो जी क्या होना चाहिए, बताओ जी बताओ, पहले इसका बना लो अच्छे से, जैसे करेक्ट एंट्री, तो ये बनेगी हमारी रेक्टिफाइड एंट्रीज की, हाँ जी क्या, जैसे सर आपने करेक्ट एंट्री सिर्फ डेबिट वाले लिखे, इसमें टू में क्या आता, किसमें किसमें, करेक्ट एंट्री, मैं ना आपकी बात एक सेकेंड समझा नहीं, ठीक है जी, तो अब समझ में आ गया सब लोगों को कि ये करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री, ये इस तरीके से काम करती है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास में, अच्छा अब वो कह रहा है कि सस्पेंस अकाउंट बना दो, उसने ना हमसे सस्पेंस अकाउंट बनाने को भी कहा था शायद, देखो ध्यान से देखो, सस्पेंस अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ था, इधर देखना मेरी बात, 1,000 रुपए दिया हुआ है, कहता ट्रायल बैलेंस के अंदर डिफरेंसेस आए हैं कितने, 1,000 रुपए के, है ना, ये नहीं बताया कि ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट के डिफरेंसेस डेबिट पे हैं या क्रेडिट पे हैं, ये नहीं बताया, और हमने ये टोटली एज्यूम कर लिया है कि सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस होगा, ये देखो ये एजम्पशन है, इसके आगे लिख लो जी एजम्पशन, ठीक है, ये एज्यूम किया हमने क्योंकि वहां कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमने इसको 1,000 कर दिया, आप चाहो तो क्रेडिट साइड का बैलेंस भी ले सकते हो। अच्छा जी अब हमारे पास में कितने का प्रीपेड रेंट की बात कितने की हुई है, प्रीपेड रेंट से सस्पेंस अकाउंट की बात हुई है 3500 रुपए की, यानी कि अब हमारा बैलेंस सीडी कितना आ गया सर, 2500 रुपए आ गया, इसके अंदर सस्पेंस अकाउंट अभी भी जिंदा है, अभी भी खुला हुआ है, ठीक है, ओके सर। हाँ जी, ये जो बैलेंस है इसको हम क्रेडिट साइड भी कर सकते हैं, हाँ बेटा, या ऑलवेज, नहीं क्रेडिट साइड भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन की गलती है ना, क्वेश्चन को बताना चाहिए था कि सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था या क्रेडिट था, नीचे लिख देना सिंस सस्पेंस अकाउंट स्टिल शो बैलेंस इट इज ऑब्वियस दैट, अच्छा ये तो कुछ और लिखा हुआ है, आप नीचे लिख देना कि एज नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन अबाउट द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट वी आर एज्यूमिंग दैट द सस्पेंस अकाउंट हैविंग बैलेंस एट क्रेडिट साइड, तो आप उसको क्रेडिट में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंस अकाउंट गलतियां तो कहीं भी हो सकती है ना, डेबिट पे भी हो सकती है, क्रेडिट पे भी हो सकती है, यस ओके, ठीक है, हाँ अच्छा नीचे देखो एक लाइन लिखी हुई है, नोट लिखा हुआ है, नोट में क्या लिखा है, आओ देखो नोट में लिखा हुआ है कि सिंस सस्पेंस अकाउंट स्टिल शोज बैलेंस, अभी भी बैलेंस बकाया है कितना, 2500 रुपए का, इट इज ऑब्वियस दैट देयर इज स्टिल सम एरर इन द बुक्स, यानी कि अभी हमारा सस्पेंस खत्म नहीं हुआ, ओके 1,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस था, 3500 की गलती हमने बता दी है, 1,000 रुपए एडजस्ट हो गए हैं 3500 से, तो 2500 का सस्पेंस अभी भी ओपन है यानी कि अकाउंटेंट ने अपना काम ठीक से नहीं किया। अच्छा जी अब ये वाले क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग मिस्टेक्स आर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ ए कंसर्न आफ्टर इट्स बुक वर क्लोज्ड, इसका मतलब क्या हुआ, बोलो बोलो जल्दी बताओ, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, जल्दी बताओ क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ, देखो प्रोसेस के अंदर क्या कहती है, प्रोसेस ये कहती है सर आपने जर्नल एंट्री बनाई, आपने एरर किए, आपने लेजर अकाउंट बनाए, लेजर पोस्टिंग की, आपने गलती की, आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, आपने गलती की, आपने फाइनल अकाउंट बना दिए, इसके बाद आपने फाइनल अकाउंट भी बना दिए, आपको अब पता लगा है अपनी गलती का,
फाइनल अकाउंट बनने के बाद जो गलती पता लगती है वो कौन से साल की होती है? सर वो होती है लास्ट ईयर की, यानी कि हमने इस गलती का पता लगाया है नेक्स्ट ईयर में। याद है मैंने बताया था कि कभी कभी हमें पता लगता है गलतियों का नेक्स्ट ईयर में। तो भाई अब क्या होगा, तो देखो रिवाइज करवा रहा हूं, लास्ट क्लास में क्या बोला था रिवाइज करवा रहा हूं। देखो जी, तो मैंने ये बोला था कि सर अगर मुझे ये पता लगे कि मैंने रेंट जो है वो क्रेडिट कर दिया गलती से, कौन से ईयर का? सर लास्ट ईयर का रेंट मैंने गलती से क्रेडिट कर दिया था, जबकि मुझे इसको डेबिट करना चाहिए था। तो अब मैं क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंट तो करंट ईयर के लिए खुलता है, जर्नल एंट्रीज भी करंट ईयर के लिए ही होती है। अगर मैं इस साल रेक्टिफिकेशन करते समय रेंट अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, लास्ट ईयर की गलती थी, और अगर इस साल मैं ये एंट्री बना दूंगा कि रेंट अकाउंट को डेबिट कर दो, तो रेंट अकाउंट करंट ईयर का रेंट डेबिट की वजह से, रेंट अकाउंट करंट ईयर के रेंट की वजह से डेबिट होना चाहिए था, लास्ट ईयर के नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने कसम खा रखी है ना कि केवल बुक्स ऑफ अकाउंट में इसी साल के खर्चे रिकॉर्ड करेंगे। हे भगवान, ये हम क्या करेंगे सर, हम अब हम क्या करें, यहां पे तो हम इसको रेक्टिफाई भी नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, पहले सिचुएशन पता लगी, बोलो सारे, सिचुएशन पता लगी, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि लास्ट ईयर का एक रेंट था, एक्सपेंस था, उसको हमने क्रेडिट कर दिया गलती से, जबकि होना चाहिए था डेबिट, और इस साल हम उसको रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस साल अगर हम उसको रेक्टिफाई करेंगे तो रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और रेंट अकाउंट करंट ईयर के खर्चों के लिए ही केवल डेबिट होता, लास्ट ईयर के लिए नहीं होता। अब क्या करें, तो हमने क्या किया, हमने एक अकाउंट को अवतरित किया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, और इसका नाम हमने दिया P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। इस अकाउंट ने अवतार लिया हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्या हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट नॉर्मली बनाते हैं? नहीं नहीं सर, हम तो P&L अकाउंट बनाते हैं। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों खोला हमने? सर पिछले साल की गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए। अच्छा अच्छा, तो अब इफेक्ट क्या होगा? सर अगर किसी भी तरीके का एक्सपेंस या लॉस होगा तो ये क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अगर सर गलती किसी इनकम की हुई या फिर गेन की हुई तो सर ये क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है सर। अब कुछ डेबिट हुए, कुछ क्रेडिट हुए, फिर कुछ प्रॉफिट्स बचे, तो उस प्रॉफिट को हम कहां लेकर के जाएंगे? सर फिर इस प्रॉफिट को हम करंट ईयर की कैपिटल में ऐड कर देंगे। और अगर लॉसेस हुए तो यहां से निकाल करके करंट ईयर की कैपिटल में से माइनस कर देंगे। यानी कि इफेक्ट कैपिटल पे ही आना था, लेकिन किसके थ्रू आया? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू आया। इतनी बात समझ में आई सबको? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है जी, आ जाओ फिर पढ़ते हैं अब इसको। सेल्स डे बुक वॉज ओवरकास्टेड बाय 1000 रुपीज। बताओ जी, सेल्स डे बुक अगर ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सेल्स का कौन सा अकाउंट, कौन सा वो होता है, बैलेंस होता है सर, क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से हमारी इनकम कम हो रही है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, हमारी एंट्री बन जाएगी सर P&L
एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, डेबिट क्यों हुआ भाई, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि सर इनकम कम होती है तो डेबिट होती है ना, टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी, गलती से भी कुछ और मत बोल देना, सेल्स करंट ईयर की सेल्स को कहते हैं, एक्सपेंसेस करंट ईयर के एक्सपेंसेस को कहते हैं, तो लास्ट ईयर का था इसलिए पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट खोला। अगर ये करंट ईयर का होता तो यहां पे हम क्या एंट्री करते, कुछ नहीं सर, फिर हम करते सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। भाई सस्पेंस तो क्रेडिट होना ही है क्योंकि दूसरा इफेक्ट बताया नहीं ना हुआ, लेकिन ये करंट ईयर का तो है नहीं, ये तो लास्ट ईयर का है, तो इसके लिए क्या खुलेगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट खुलेगा। समझ में आई बात? यस सर। आगे देखो, यस सर, आगे देखो, ए सेल्स ऑफ रुपीज 5000 टू एक्स वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू वाईज अकाउंट। लो जी कर दिया कांड, एक्स को हमने सेल की थी एक्स को हमने सेल की थी और हमने किसको लिख दिया जी, वाई को लिख दिया, यानी कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री और ये रेक्टिफाइड एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी जी, एक्स को की थी हमने सेल्स, तो एक्स टू सेल्स होनी चाहिए थी, ठीक है जी, लेकिन हमने वाई को डेबिट कर दिया, क्या लिख दिया रॉन्ग एंट्री में, वाई डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अब सोच करके देखो, सेल्स तो अपनी जगह पे सही है, हटा दूं इसको, हाँ सर हटा दो। करेक्ट एंट्री के अंदर एक्स क्या होना चाहिए सर, डेबिट होना चाहिए, रॉन्ग एंट्री के अंदर वाई क्या हो गया, डेबिट हो गया, तो इसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो टू वाई, ये तो सिंपल है, ये तो पहले वाले जैसा ही। अच्छा जी भगाओ इसको ताकि स्पेस बने, आगे चलते हैं सर। जर्नल एक्सपेंसेस रुपीज 180 वॉज पोस्टेड इन जनरल लेजर एज 810। हां जी जल्दी से बता दो, 180 रिकॉर्ड किए थे, 180 रिकॉर्ड करने थे लेकिन 810 रिकॉर्ड कर दिए, 810 रिकॉर्ड कर दिए। पहले तो इसका इसका क्या नाम है वो बताओ मेरे को, डिफरेंस बताओ कितना आता है 180 और 810 का, 810 180 कितना बनता है, 630 बनता है। अरे एक सेकेंड, जल्दी जल्दी नहीं बताना, इफेक्ट के साथ में बताना है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को कम करेंगे, है ना, हमने ज्यादा लिख दिया है, एक्सपेंसेस कम करेंगे तो क्या हो जाएंगे सर, सर एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस कम होंगे तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन एक्सपेंसेस का नाम तो लिख नहीं सकते हम, तो पी एंड एल का नाम लिख सकते हैं, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, कितने रुपए से, 610 से। अब डेबिट में कुछ लिखने के लिए है नहीं तो क्या लिखूं सर, सस्पेंस अकाउंट किस दिन काम आएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 630 रुपए। ठीक, आगे देखो, ए बिल्स रिसीवेबल, मल्लिका जी जैस्मीन जी ध्यान से देखिए, अब आपका प्यारा चहिता बिल्स रिसीवेबल ही लिखा है, लेकिन जब बिल्स रिसीवेबल लिखा होता है ना तभी हम बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं उसको, बिल्स रिसीव्ड को हम बिल्स रिसीवेबल नहीं बोलते, तो हम क्या बोलते हैं, ए बिल्स रिसीवेबल फॉर रुपीज 1550 was passed through bills payable book, the bill was given by P। मुझे ये नहीं आता, आप बता दो फटाफट से, क्या ये वही है, नॉर्थ पोल में जाना था साउथ पोल में चले गए, यस सर, यस वही है, हाँ वही है, चलो हिंट भी मिल गई, अब बताओ जल्दी से एंट्री बता दो, बिल्स रिसीवेबल, देखो बिल्स रिसीवेबल डेबिट होता है और करेक्ट एंट्री में डेबिट होगा तो हम यहाँ पे भी बिल्स रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे, जबकि हमने इसको बिल्स पेबल के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, बिल्स पेबल क्रेडिट होते हैं तो वो रॉन्ग एंट्री में क्रेडिट हो गया होगा क्योंकि रॉन्गली काम किया होगा ना, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या कर देंगे, बिल्स पेबल को डेबिट कर देंगे। और टू, टू में क्या लिख दूं बोलो, पीज अकाउंट,
कितना कितना 1550 1550 और कितना हो गया ये टोटल 3031 ठीक है ठीक है जी ये वाला भी हो गया ई पॉइंट करते हैं लीगल एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 11190 पेड टू मिसेज नीतू वॉज डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट. बोलो जी पहले तो मेरे को एक बात बताओ लीगल एक्सपेंसेस पे करना हमारा एक्सपेंस है ना और हमने उसको लिख कहां दिया नीतू के पर्सनल अकाउंट में. मुझे याद है अभी ना रात को मेरे से जैस्मिन ने एक क्वेरी पूछी. क्या पूछा कहती है सर ये क्या होता है कि इसका क्या मतलब होता है कि सर सैलरी देनी थी हमने एम्प्लॉय को सैलरी दी और हमने उसके पर्सनल अकाउंट में कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट में डाल दिया. तो मैंने जैस्मिन को समझाया मैंने कहा बेटा जैस्मिन बात दरअसल ये है कि हमें उसको एज एन एक्सपेंस लेना चाहिए था क्योंकि वो हमारा एम्प्लॉय था लेकिन देने वाले के नाम को डेबिट करके हमने क्या बना दिया उसको डेटर बना दिया क्योंकि पर्सनल अकाउंट में जब कोई चीज चली जाती है ना तो या तो वो डेटर बन जाता है या क्रेडिटर बन जाता है. भाई बिजनेस के पर्सनल पर्सन कौन होते हैं जिनसे वो डील करता है डेटर होंगे क्रेडिटर्स होंगे प्रोपराइटर्स होंगे कोई बैंक हो सकते हैं है ना. तो हमने उनको पर्सनली ट्रीट कर लिया जबकि था क्या मैं किसी भी बंदे को लीगल एक्सपेंसेस देता हूं या सैलरी देता हूं तो मैं क्या कहता हूं भाई मेरे ऑफिस के लीगल एक्सपेंसेस खर्च हुए ये थोड़ी ना कहता हूं कि मैंने उस बंदे को पैसे दिए. नहीं उस बंदे को पैसे दिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तब कहता हूं जब मैं उस बंदे का नाम से पर्सनल अकाउंट बनाता हूं और वो तब बनाता हूं जब वो मेरा डेटर मेरा क्रेडिटर मेरा बैंक या मैं खुद होता हूं. ये बात समझ में आती है ना. तो ये था खर्चा और हमने इसको उसके पर्सनल अकाउंट के अंदर डाल दिया यानी कि हमने उसको एज अ पर्सनल पर्सन ट्रीट कर लिया. चलो जी हिंट हुई खत्म. अब जल्दी से बता दो क्या करेंगे इसको खर्चा ट्रीट करना चाहिए था ना. अगर खर्चा होता अगर खर्चे की तरह से ट्रीट करते तो ये क्या हो जाता सर डेबिट हो जाता है ना. एक्सपेंस क्या हो जाता लीगल एक्सपेंस लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट है ना ये हो जाता ना. और दूसरे चीज की तो हम बात ही नहीं करते टू कैश अकाउंट हो जाता ऐसे हो जाता. लेकिन रॉन्ग एंट्री के अंदर हमने क्या कर दिया नीतू डेबिट टू कैश कर दिया पेमेंट कर दी थी ना. हाँ पेड लिखा है ठीक है नीतू डेबिट टू कैश. अब कैश अपनी जगह पे है कैश कैश अपनी जगह पे है उसको कुछ नहीं करेंगे. लेकिन एक बात बताऊं अब देखो ये थी हमारी करेक्ट एंट्री ये थी हमारी रॉन्ग एंट्री. अब होगी हमारी रेक्टिफाइड एंट्री. लेकिन रेक्टिफाइड एंट्री के अंदर क्या कर सकता हूं रेक्टिफाइड एंट्री के अंदर इसको लीगल एक्सपेंस नहीं लिख सकता बिकॉज दिस एक्सपेंस इज नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर देयरफॉर पीएल एडजस्टमेंट लेते हैं. पीएनएल एडजस्टमेंट शाबाश समझदार हो गए तुम. पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एन अकाउंट कितने रुपए से सर 1190 पता नहीं क्या बोल रहा हूं मैं भी. अगला पढ़ो जी कैश रिसीव्ड सर ये दोबारा बताना यहाँ पे आपने पी एंड एल एडजस्टमेंट क्यों लिखा. क्योंकि बेटा ये लास्ट ईयर का खर्चा था ना. हाँ ठीक है सर ठीक है क्लियर ठीक है. शायद तेरा नेट कट गया होगा बीच में. अच्छा देख अगला पढ़ते हैं. कैश रिसीव फ्रॉम राम वॉज डेबिटेड टू श्याम. ये मतलब एक ही चीज घुमा घुमा के बार बार दे रहा हम नहीं खेल रहे. कैश रिसीव किया था राम से और डेबिट कर दिया श्याम के अकाउंट में. ऊपर वाले की तरह ही है कर सकते हो. यस सर सस्पेंस टू राम एंड श्याम. हाँ सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम टू श्याम. अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे पास में while carrying forward the total of one page of purchase book to next the amount of rupees 1235 was written as 1325. सबसे पहले बताओ परचेज बुक का बैलेंस कौन सा होता है सर डेबिट बैलेंस होता है. हमने एक्सपेंसेस को
ज्यादा लिख दिया, मानते हो कितना ज्यादा है पहले तो ये बताओ, कितना ज्यादा लिख दिया? 90 रुपए से, 90 रुपए से हमने परचेजेस को ज्यादा लिख दिया, तो अब परचेजेस को कम करेंगे तो हम क्या लिखेंगे जी, टू परचेजेस। अभी शांति रखना, बीच में मत कूदना, ठीक है, टू परचेजेस 90 और सस्पेंस अकाउंट डेबिट 90 रुपीज से, है ना। लेकिन सर करंट ईयर का खर्चा तो है नहीं, तो टू परचेजेस नहीं करेंगे, टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट करेंगे, ठीक है जी। यस सर, हो गया जी। अच्छा अब इसके बाद में क्या लिखा हुआ नीचे, आ जाओ देखते हैं। नीचे लिखा हुआ है हमारा सस्पेंस अकाउंट बनाने का, सस्पेंस अकाउंट हम बना लेंगे। वैसे पता है हमारे को P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बना सकते हैं, ये जर्नल एंट्रीज लिखी हुई है इसके हिसाब से हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बना सकते हैं, है ना, सारी लिखी हुई है, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाया जा सकता है, वैसे सिर्फ सस्पेंस अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक। तो इसके साथ ही ये हमारा असाइनमेंट जो है खत्म हो जाता है और चारों तरीके की गलतियां हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। यस सर।